A very good morning, everyone. Today we will start chapter number 5, The Worthy Successor. So here in the warm-up exercise, we have some qualities that a worthy person must have. यहाँ पे वार्म अप एक्सरसाइज में कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक वर्दी पर्सन में होनी चाहिए. नाउ बिफोर मूविंग टू दिस, पहले हम समझेंगे वर्दी सक्सेसर मतलब क्या होता है. वर्दी मतलब होता है योग्य और सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी. नाउ एक वर्दी पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. ही मस्ट बी ट्रू, सिंसियर, अनेस्ट, एडमरेबल, एक्सलेंट एंड सुपर्ब. ट्रू मतलब वो सच बोलता हो और हमेशा सच का ही साथ देता हो. सिंसियर, वो हर ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से करता हो. अर्नेस्ट, बहुत ईमानदार हो, हर चीज़ ऑनेस्टली करता हो. एडमिरेबल मतलब बहुत ही प्रशंसनीय होना चाहिए, लोग उसको देख के उसकी जो हैबिट्स हैं वो अपने में डालना चाहें, वो खुद भी उसी की तरह बनना चाहते हों. एक्सलेंट, बहुत अच्छा हो, बहुत उत्तम हो. और सुपर्ब मतलब भी वो बहुत अच्छा इंसान हो. Now we will start the chapter. High up in the hills of Assam was a famous temple. Assam में जो hills थे ऊपर, बहुत ऊँचे ऊँचे hills थे, वहाँ पर एक famous temple था, एक बहुत ही famous मंदिर था. The priest of this temple was greatly respected. और यहाँ के जो पुजारी थे उनकी बहुत सब आदर करते थे. As he grew older, the priest started looking for a successor who could take charge of the temple after him. But he could not find a single person suitable for the position. जैसे जैसे वो पुजारी बूढ़े होते गए, वो एक नए पीस्ट के, एक नए प्रीस्ट के तलाश में जुट गए जो उनके बाद इस मंदिर की टेक केयर कर पाएगा और उनकी जगह पुजारी बन जाएगा. मगर उन्हें कोई भी सिंगल पर्सन नहीं मिला जो इस पोजीशन के लिए सुटेबल हो, उनके बाद इस मंदिर के पुजारी बन सके. When will my search for the most suitable successor be over? और वो हमेशा कहते थे कि कब मुझे इस मंदिर के लिए एक अच्छा पुजारी मिलेगा जो यहाँ सुटेबली अपना काम कर सके मेरी तरह. The day came when the old priest lay on his dead bed. He called for the caretaker of the temple. आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो बूढ़े पुजारी अपने डेड बेड पर लेटे हुए थे, अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, और उन्होंने मंदिर के केयर टेकर को बुलाया. केयर टेकर मतलब जो मंदिर का देखभाल करता था, झाड़ू पोछा करना, मंदिर को साफ सुथरा रखना, मंदिर में हर चीज़ का अरेंजमेंट करना, जब पूजा हो पूजा के बाद के अरेंजमेंट्स करना, टाइम से हर चीज़ को जो करता हो और वहाँ की देखभाल करता है उसे केयर टेकर कहते हैं. गोपान, आफ्टर माई डेथ मेक श्योर दैट ओनली अ ह्यूमन बींग इज चूजन एज द प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल. तब पुजारी ने, उस केयर टेकर का नाम था गोपान, उसे कहा कि तुम मेरे मरने के बाद इस मंदिर के लिए एक पुजारी को चूज़ करना जो ह्यूमन बीइंग हो, मतलब इंसान हो. सेइंग दिस द होली मैन ब्रीथ्ड हिज लास्ट, और ये कह के उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली. इन द इवनिंग, शाम के समय, ओ आवर बिलवड प्रिस्ट इज नो मोर. शाम के समय जो वो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो गुजर गए. द नीड फॉर अ न्यू प्रीस्ट इज अर्जेंट नाउ, और एक नए पुजारी की अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे एक नए पुजारी की तलाश होनी हो रही थी. आई मस्ट कॉल ऑल द होपफुल मैन टू अटेंड द इंटरव्यू एट द टेम्पल, और मुझे जल्दी से ही एक इंटरव्यू बुलाना पड़ेगा पुजारी सेलेक्ट करने के लिए जो इस मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, मंदिर की देखभाल करेंगे. द डे ऑफ द इंटरव्यू अराइव्ड, आखिरकार इंटरव्यू का दिन आ ही गया जिस दिन पुजारी की चुनाव होगी. गोपान वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द हिल वेयर द टेम्पल वॉज लोकेटेड, और गोपान मंदिर के बाहर खड़ा था, और वो जो मंदिर था ना वो सबसे ऊँचे हिल पर था. आई सी ए लार्ज नंबर ऑफ यंग मैन मेकिंग द स्टीफ एंड डेंजरस क्लाइम, और उसने वहाँ से देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग लोग उस मंदिर में आने के लिए बहुत ही खतरनाक और ऊंची चढ़ाई कर रहे हैं. हाउ विल आई नो हुम टू चूज़, और वो अपने मन मन में सोच रहा है कि मैं कैसे, किस तरह से मंदिर के पुजारी को चूज़ करूँगा. आई कैन टेस्ट देयर नॉलेज ऑफ द होली बुक्स, मैं उनके होली बुक्स का नॉलेज की जाँच कर सकता हूँ कि उन्हें कितना
पता है, उन्हें होली बुक कितना अच्छे से याद है और उन्हें किस तरह से सब कुछ पढ़ाई करी है अभी तक। बट द वाइस वन डेफिनेटली वॉन्टेड मी टू लुक्स फॉर समथिंग मोर। मगर जो वाइस वन थे, वाइस वन मतलब क्या, जो पहले पुजारी थे, वो सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि जो पुजारी हो उसको सिर्फ होली बुक की ही नॉलेज हो। होली बुक मतलब होता है जो पुराण वगैरह होते हैं ना, उसे होली बुक कहते हैं, जैसे गीता और जो वेद वगैरह की किताबें होती हैं उन्हें होली बुक कहा जाता है। मगर जो वाइज वन थे वो चाहते थे कि जो पुजारी हो उसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ हो। वट कुड इट बी, मगर वो क्या खूबियाँ हैं वो मुझे नहीं पता। By the time the young men reached the temple, they were exhausted. Gopan gave them food and water. और जिस समय तक वो सभी लोग इंटरव्यू के लिए टेम्पल पहुँचे, वो सभी बहुत ही एग्जॉस्टेड थे। एग्जॉस्टेड मतलब बहुत थक गए थे। और तब गोपान ने उन्हें खाना और पानी दिया। Then they were asked to recite verses from the sacred text. Each young man was better than the other. और उसके बाद गोपाल ने एक एक करके उन्हें जो वर्सेस थे, जो वेद वगैरह थे उनमें जो वर्सेस थे, उनको एक एक करके पढ़ने के लिए, रिसाइट मतलब पढ़ने के लिए कहा। और जो यंग मैन थे सभी एक से एक थे वहाँ पे, सभी एक एक से बेहतर थे और सभी को आता था सभी कुछ जो जो होली बुक में था। दे ऑल आर परफेक्ट, वो सभी बहुत परफेक्ट थे। एनी वन ऑफ देम वुड मेक अ गुड प्रीस्ट, और वो सभी बहुत अच्छे थे, सभी बहुत परफेक्ट थे और कोई भी अच्छा प्रीस्ट बन सकता था। वट डू आई डू, तब गोपाल सोचने लगा अब मैं क्या करूँ। जस्ट देन अ टायर्ड यंग मैन लिम्ड इन टू द टेम्पल कोर्ट यार्ड, तभी एक यंग मैन मतलब जवान आदमी मंदिर में आता है लंगड़ाता हुआ, लिम्ड मतलब लंगड़ाता हुआ आता है, जो बहुत ही थक गया था। इट वॉज ईजी टू सी दैट ही वॉज बैडली हर्ट, और ये देख के ही मालूम हो रहा था कि उसे बहुत चोटें लगी थी। हिज क्लोज वर टॉर्न इन सेवरल प्लेसेज, और उसके कपड़े भी कई जगह में फटे हुए थे। वट हैपन टू यू, हैव यू कम फॉर द इंटरव्यू, लुक एट योर फीट, दे आर हर्ट बैडली, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम भी इंटरव्यू के लिए आए हो, तुम्हारे पैरों की तरफ देखो, इन्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है। प्लीज़ सर डोंट वरी अबाउट मी, सर आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए। येस इट वॉज माई डियरेस्ट विश टू बी द टेम्पल प्रेस्ट हेयर, हाँ ये मेरी बहुत ज़्यादा मनोकामना है कि मैं यहाँ पे पुजारी बनूँ, मैं इस टेम्पल का पुजारी बनूँ। बट आई नो आई एम वेरी लेट फॉर द इंटरव्यू, मगर मुझे मालूम है मैं इंटरव्यू के लिए बहुत लेट हो गया हूँ। बट वट हैपन टू यू, वर यू अटैक्ड ऑन योर वे हेयर, Didn't you follow the same route as the other? मगर तुम्हें क्या हुआ है, क्या रास्ते में आते हुए तुम पर किसी ने हमला किया था, क्या तुमने दूसरों की तरह सेम रूट फॉलो नहीं किया जिस रूट से बाकी सब आए हैं, क्या तुम उस रूट से नहीं आए हो, गोपाल ने तब उस यंग मैन से पूछा। Indeed, I did, but the mountain path was full of thorny bushes and sharp stones, so I decided to clear it. हाँ मैं भी उसी रास्ते से आया हूँ, मगर जब मैं माउंटेन के उस रास्ते से आ रहा था वहाँ पे बहुत सारे कांटे वाले बुशेस थे, वहाँ पे बहुत सारे कांटों की झाड़ थी और बहुत सारे शार्प स्टोन्स थे, शार्प स्टोन्स मतलब बहुत ही नुकीले पत्थर भी थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनको साफ करता हूँ। सो आई डिसाइडेड टू क्लियर इट। नाउ पीपल कैन कम टू द टेम्पल विदाउट गेटिंग हर्ट ऑन द वे, This is why I am late. और मैंने इसीलिए सोचा कि मैं जो टेम्पल का रास्ता है, जो वे है, उसको क्लियर करता हूँ ताकि दूसरे लोग जो यहाँ आए वो हर्ट ना हो, उन्हें चोट ना लगे, और दैट इज़ वाई आई एम लेट, और इसी वजह से मैं लेट हो गया।